नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बरनाला में आज किसानों की महारैली का आयोजन। नए कृषि कानून के विरोध में किसान महारैली करेंगे। कृषि कानून रद्द होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी पर नया कानून बनाने की मांग को लेकर किसान लगातार डटे हुए हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर आज 88वां दिन है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच बरनाला में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। किसानों की तरफ से महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर नए कृषि कानून के विरोध में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा महारैली का आयोजन किया गया है। कृषि कानून रद्द होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। किसानों की लगातार सरकार से मांग है कि सरकार जल्द से जल्द एमएसपी पर नया कानून लेकर आए। इसके साथ ही नए कृषि कानून को रद्द किया जाए, तीनों बिलों को रद्द किया जाए, ये किसानों की मांग है। इसी को लेकर लगातार 88वें दिन भी किसानों की ये जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। वहीं इसी बीच किसानों द्वारा नए नए पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा जहां पर रेल रोको आंदोलन किया गया था, इसके बाद आज किसानों द्वारा महारैली किया जा रहा है। बरनाला में महारैली की जाएगी। इसके साथ ही किसान अपना विरोध दर्ज करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। नए कृषि कानून के विरोध में आज महारैली का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संवाददाता परवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवीन, महारैली का आयोजन है, कब तक ये महारैली शुरू हो जाएगी और कितने किसानों के जुड़ने की संभावना है? ये महारैली तकरीबन 12 बजे के करीब शुरू हो जाएगी। इसमें 2-2.5 लाख के करीब किसान, जो प्रधान वगैरह उन्होंने बताया कि 2-2.5 लाख के करीब जहाँ मतलब के किसानों के आने की उम्मीद है। परवीन, इस महारैली की अध्यक्षता कौन कर रहा है, किसके द्वारा की जा रही है? ये मेरे अभी तक तो जो मतलब ग्राहक के आने की संभावना है वो ग्राहक ही मतलब अध्यक्षता करेगा। और इस रैली में जो जगह 30 फुट का तो इन्होंने मतलब के वो वॉल लगाया हुआ है, जिसके ऊपर मतलब के इन्होंने करना है ये, और इनके 20,000 रुपए का लंगर का मतलब इंतजाम भी मतलब किया हुआ है। और जो उन्होंने चाय पानी का सभी का लंगर इनके पास है, मौजूद है। 2 लाख के करीब जो मतलब के लंगर पानी का है वो अलग अलग जो जथेबंदियां वो लेके आ रहा है। कोई 20,000 खाने का लंगर लेके आ रहा है, कोई 10,000 लेके आ रहा है। इसलिए जो 2-2.5 लाख रुपए इनकी उम्मीद है कि 12 बजे के करीब जो जुटने शुरू हो जाएंगे मतलब के भी, उसके लिए लंगर पानी सभी लेके आ रहे हैं लोग, और किसान 12 बजे के बाद जुटने शुरू हो जाएंगे। प्रवीण, ये महारैली कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर खत्म होगी? ये बरनाला में ये रैली जो है वो थाना मंडी है, वहां से शुरू होगी और वहीं पे खत्म होगी। इन्होंने तकरीबन 2-2.5-1 किलोमीटर के करीब जो इन्होंने जो जगह है वो दी हुई है इन्होंने महारैली के। प्रवीण, क्या इस दौरान लोगों के लिए जो किसान इसमें शामिल होंगे उनके लिए पानी और खाने की कोई व्यवस्था की गई है? इन्होंने बहुत बढ़िया ये व्यवस्था की हुई है, खाने की भी की हुई है और पीने के पानी की भी व्यवस्था की हुई है, और प्रशासन ने भी पानी की इसके लिए व्यवस्था की हुई है। महारैली को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं प्रवीण? महारैली के लिए प्रशासन की कंप्लीट तैयारी की गई है। फोर्स लगाई गई है चारों तरफ, 2 तरफ गेट लगाए गए हैं, उसकी देख रेख में प्रशासन की सभी है। और जो आवारा जानवर मंडी का मंडी साथ में है, दाना मंडी और सब्जी मंडी भी साथ में, उसमें आवारा पशु बहुत ज्यादा थे, उन्होंने कल आवारा पशुओं को उठवाया, सभी को अपना बंदी बना के एक जगह रख रखा कि ताकि जो जो 2 रात के करीब आदमी आ रहे हैं उनसे कोई नुकसान ना कर सके आवारा पशु। चलिए प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।